नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का टिप्स विद हरीश यूट्यूब चैनल पे। आप में से बहुत सारे से व्यूअर है जो मेरे को कमेंट कर रहे थे, सर जो मेरा पार्टनर है, सर जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, एक्स पार्टनर, इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उस इंसान को तड़पाना चाहते हैं जो हमारा एक्स पार्टनर है, जो हमारी गर्लफ्रेंड है, जो हमारा बॉयफ्रेंड है, हमें उस इंसान को तड़पाना है काफी ज्यादा। मतलब जिस तरीके से हमें फील हो रहा है, जिस तरीके से हम दर्द फील कर रहे हैं, जिस तरीके से हम खुद को फील कर रहे हैं, जैसे हमें तकलीफ हो रही, हम चाहते हैं उसको भी वो सारी चीज हो, वो भी ऐसे तकलीफ में रहे, वो भी ऐसे दर्द फेस करे, उसको भी तड़पाना हो हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशंस बताएंगे, देन उसके बाद बात करेंगे क्या करना चाहिए, कैसे। पूरी वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप सभी को बता दो, अगर आप मुझसे वन एंड वन कॉल पे बात करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बुक करने के लिए कॉल बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपको ज्यादा जरूरत है तब भी जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज कॉल मत बुक करना, क्योंकि उसका चार्ज लगता है, अपने पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं गाइस, जिन लोगों के पास पैसे नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लेना वहां पे और मुझे मैसेज कर देना, मेरे को टाइम मिलेगा तो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। गाइस, अभी हम बात करते हैं किसी को कैसे हम तड़पा सकते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, फैक्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, सर उस इंसान को तड़पन नहीं हो रही है, उस इंसान को मेरे लिए वो फील नहीं हो, इंसान उस तरीके से तड़प नहीं रहा, उस इंसान को वैसे फील नहीं हो रहा है जिस तरीके से मैं उसके लिए फील कर रहा हूं, जिस तरीके से मुझे दर्द हो रहा है, जिस तरीके से मैं खुद को तकलीफ दे रहा हूं, या फिर जिस तरीके से मैं खुद के बारे में, मतलब खुद के लिए फील कर रहा हूं, उस इंसान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन चीजों से, मुझे क्या करना चाहिए इन चीजों के। मैं हमेशा लोगों को बताता रहता हूं, हमेशा मैंने लोगों को बताया और मैं बताता रहता हूं कि जब भी आप लोगों को ये चीज शो करेंगे, जब भी आप लोगों को ऐसे शो करेंगे कि हम उनके लिए तड़प रहे, जिस तरीके से हम उनके लिए फील कर रहे हैं, लोग हमेशा ना टिप्स से लेके चलते हैं, मतलब जो मैंने चीजें बताया उनको ऐसे टिप्स, हाँ सर ने बोला ऐसे ऐसे चलना, ऐसे चलो गधों की तरह, ऐसे मत बनो, गधे मत बनो, मैंने जो चीजें बताया उसको रियलिटी में अप्लाई करो। जैसे मैंने मेरी हर वीडियोज में बताया कि आप अपनी तरफ से, अगर मैंने बताया कि उस इंसान को भाव मत दो या फिर उस इंसान को कॉल मत करो, बहुत सारे गधे क्या करते हैं, जैसे कि ठीक है सर ने बोला है कॉल नहीं करना, लेकिन वेट करेंगे दूसरे नंबर से, देख लो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों की, हाँ कि यार जो इंसान है जिसको हम, मैंने बोला है कि अगर आप रियलिटी में चलोगे, रियल लाइफ में लोग आपको क्यों छोड़ते हैं, पहले तो इसका रीजन जान लो। पहले रीजन ये कि आपको इसलिए छोड़ा जाता है कि आप निठल्ले बन जाते हो, आपके पास कोई काम नहीं होता, आप सिर्फ 24 घंटे उस इंसान को, वो इंसान, वो लड़की, वो लड़का, वो लड़की, वो लड़का, वो लड़की, 24 घंटे उसके पास अवेलेबल रहना, उसको कॉल करना, उसको मैसेज करना, ये सबसे बड़ा रीजन है, जिसके बाद वो इंसान हम, उसकी नजरों में हमारी इमेज बन जाती है, उसके बाद वो हमें ग्रांटेड लेता है, उसके बाद इंसान हमें डंप करता है, हमें छोड़ देता है, फिर हमें परेशान होते हैं, हम रोते हैं, अरे यार ऐसा किया, अरे उसको तड़पन करने के लिए पहले तो मेरे पास जो कॉल आते हैं, जिस तरीके से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैं खुद शॉक हो जाता हूं कि अगर आप चाहते हो उस इंसान को तड़पाना, तो पहले अपनी तड़पन तो बंद कर लो, अपने अंदर तो तड़पन भर के रखी, मैं तड़प रहा हूं, मेरे को रोना आ रहा है, मैं तो ऐसा, मेरे को ये, मेरे जी ये मेरा ऐसा, पहले खुद के अंदर जो आपने भर के रखा है ना, जो अपना दर्द हो, तड़पन हो, सब बंद करो। जब तक आप लोगों के लिए तड़पना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के लिए उस तरीके से खुद को, मतलब जैसे कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीज हो गई। इसमें कोई आपको बड़ा, मतलब लोग बोलते हैं अरे सर कैसे होगा, मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाती जी, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाता जी। एक चीज याद रखो, आपको कोई चौथे माले से नीचे कूदने के लिए नहीं बोला है, आपको सिंपल सा फैक्ट बताया कि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे एग्जाम्पल सक्सेसफुल लोग, जैसे सक्सेसफुल हो गए, बहुत सारे जो लोग सक्सेसफुल होना चाहता अपने लाइफ में कि यार मेरे को सक्सेसफुल बनना है, मेरे को इस फील्ड में आगे जाना है, मेरे को ऐसा करना, मेरे को ये करना, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। लेकिन एक चीज आपको सच्ची बता दो, अगर आप सच्ची में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो अपने माइंडसेट क्या होता है, सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जो काम वो करना पड़ेगा, शर्म नहीं होती वैसे इन चीजों में, नहीं यार मेरे को उसको तड़पाना, लेकिन मेरे से ना ये चीज नहीं होती, अगर नहीं होती तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। जो इंसान, अगर आप मान लो, अगर मेरी चीजों से, मेरी वीडियो से, अगर मेरे से बात करके जो इंसान नहीं समझ सकता, तो मेरे हिसाब से वो किसी से नहीं समझ सकता। जिन लोगों को, अगर बहुत सारे ना वीडियो देख लेते, फिर आते मैंने वीडियो देख ली, लेकिन मेरे को ना आपसे बात करें, मेरे को अरे फिर क्यों बात करनी, अगर आप वीडियो से ही नहीं समझ रहे हो, वीडियो में जो बताया वही तो मैं कॉल पे बताता हूं। तड़पाने के लिए पहले तो खुद के माइंड को क्लियर करो, अपने माइंड से, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को ऐसे बांध दिया जाता है कि मुझे इस रास्ते से घोड़ा जैसे भागता है, वैसे अपने घोड़ा बन जाओ और ऐसे बांध लो, यहां इसी रास्ते पे चलना, सही वाले रास्ते पे, नहीं नहीं हमें तो इधर उधर ध्यान देना, वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किधर जा रहा है, किसे, इन चीजों में रहोगे तो फिर सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से पता है, वो इंसान पूरी तरीके से जानता है कि आप कितने पागल हो उस इंसान के लिए, वो पूरी तरीके से जानता है कि आप कितने सैकड़े, मतलब कितने उस इंसान के लिए क्रेजी हो, कितना आप उस इंसान के लिए मतलब भाग सकते हो, फिर उस इंसान के लिए क्या कर सकते हो, सब कुछ उसको पता है, और इसी वजह से वो इंसान फायदा उठाता है इस चीज का। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझोगे, अगर समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।